हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टी फॉर टेक्निकल में। मेरा नाम है खादिर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। दोस्तों, एक्चुअली इनपुट और आउटपुट डिवाइस आप लोगों ने सभी ने देखे होते हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अब आप बहुत ही आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो देखिए, कंप्यूटर में जो है दो तरीके के डिवाइस होते हैं। एक को बोलते हैं हम इनपुट डिवाइस और एक को बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। देखिए, डिवाइस क्या होते हैं? डिवाइस होते हैं उसके पार्ट्स। देखिए, पार्ट्स और कंटेंट में बहुत फर्क होता है, ठीक है। पार्ट्स जो होते हैं उनको हटाया भी जा सकता है और उनको लगाया भी जा सकता है। तो ऐसे ही कुछ पार्ट्स कंप्यूटर के अंदर भी होते हैं जो इनपुट भी कहलाते हैं और आउटपुट भी। अब आप फैसला कैसे करेंगे कि कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट? आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है और कौन कौन से ये पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट पार्ट्स की, जैसे कि इनपुट डिवाइस की। जैसे कि इनपुट से ही हमें पता चल रहा है, इनपुट का मतलब होता है दोस्तों कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन देना, यानी कि इनपुट करना। मींस आप जब कंप्यूटर ओपन करते हैं और कंप्यूटर चलाते हैं तो जो भी कंप्यूटर को आप जानकारी देते हैं, जैसे कि आपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस करी, तो ये कीबोर्ड का काम है कि उस की को जो आपने प्रेस की है, यानी कि उस इन्फॉर्मेशन को, उस जानकारी को कंप्यूटर तक पहुंचाना। तो ये जो कीबोर्ड है ये क्या हुआ? ये इनपुट डिवाइस हुआ। असल में इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसको नंबरिंग फॉर्म में, यानी कि बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर को समझाना ताकि उसे पता लग सके। तो जब कीबोर्ड से या आप कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो कंप्यूटर में जाती है। जो चीज़ जाती है वो इनपुट होती है, यानी कि जो कंप्यूटर तक पहुँच रही है, हम दे रहे हैं उसको, ठीक है। यूज़र जो उसको कंप्यूटर को कमांड देता है, रिक्वेस्ट करता है, इन्फॉर्मेशन देता है, आदेश देता है, निर्देश देता है, जो भी उसको बता रहा होता है, वो जिस डिवाइस से भी हम दे रहे हैं वो सारे डिवाइस कहलाते हैं इनपुट डिवाइस, और जो हम दे रहे हैं उसको कहते हैं इनपुट। अब देखिए, इनपुट डिवाइस को हम समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कीबोर्ड। जैसे कि आप सब जानते हैं, कीबोर्ड होता है जिससे हम टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर फंक्शन की और आपकी सिंबल्स की, अल्फ़ाबेट की, न्यूमेरिक की, ये सारी कीज़ होती है। तो जो भी कीज़ हम दबाते हैं इससे, तो इससे क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर जाती है, जिससे कंप्यूटर को पता चलता है कि यूज़र क्या चाहता है मुझसे या क्या मुझे टास्क दिया गया है। और उसके बाद आता है माउस। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, माउस से हम कोई भी जो है लोकेशन कर्सर की बदल सकते हैं, या माउस से कोई भी ऑप्शन को ओके, ऑन, ऑफ, और जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन देने का काम आता है। उसके बाद दोस्तों आता है स्कैनर, जिससे कि हम स्कैन करते हैं। स्कैनर के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, MICR, OCR, ये मैं सब आपको बाद में बताऊंगा, OCR, MICR ये क्या होते हैं। और उसके बाद आते हैं आपका जॉयस्टिक। जैसे कि हम पहले गेम्स वगैरह में चलते थे, जो कि जॉयस्टिक होती थी, गेम का हैंडल होता था, उससे हम खेलते थे, तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन के काम आता था। उसके बाद आता है वेब कैमरा, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, मैं इस कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे ही लैपटॉप के अंदर एक वेब कैमरा होता है, वो भी किस काम आता है दोस्तों? वो भी आपका इनपुट के काम आता है। उसके बाद आता है माइक, माइक्रोफोन जिसे हम बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से माइक से आपको बोल रहा हूँ, उसी तरीके से जो कंप्यूटर के अंदर माइक होता है उससे हम बात करते हैं। मीन्स जैसे कि आप गूगल असिस्टेंस या गूगल एप्पल में सीवी होता है या अमेजोन का अलेक्सा होता है, उसको हम बोलते हैं और वो हमारे मनपसंद चीज़ें कर देता है। जैसे कि मोबाइल पे हम जो है गूगल का माइक ओपन करते हैं और फिर कुछ बोलते हैं, तो हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो चीज़ हमें दिखा देता है या सर्च करके दिखा देता है। तो ये तो हो गए दोस्तों इनपुट डिवाइस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो आफ्टर द प्रोसेसिंग रिजल्ट दिखाते हैं, यानी कि जब आप इनपुट देते हैं तो इनपुट कंप्यूटर के अंदर जाता है, फिर सीपीयू में उसकी प्रोसेसिंग होती है, और जो रिजल्ट हमें देखना होता है, चाहिए, वो जो मिलता है वो मिलता है आउटपुट डिवाइस से। मीन्स जो भी डिवाइस आपको रिजल्ट दे रहा है या दिखा रहा है, वो सारे डिवाइस क्या होते हैं? वो होते हैं आउटपुट डिवाइस। इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों मॉनिटर, यानी कि मॉनिटर बोल दीजिए आप, या LCD बोल दीजिए, LED बोल दीजिए, डेस्कटॉप बोल दीजिए। इससे क्या होता है, इससे हमें जो है वो दिखता है, यानी कि विजुअल रूप में हमें दिखता है। ये क्या होता है, जब दोस्तों जो प्रोसेसिंग होती है वो सब मशीन लैंग्वेज में होती है, क्योंकि इनपुट आपने दिया, वो गया, वो भी मशीन लैंग्वेज में गया क्योंकि इनपुट डिवाइस से, फिर वो कन्वर्ट होके जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद वो आउटपुट डिवाइस पे आता है। जैसे कि आपने
कोई मूवी ओपन करिए, मूवी प्ले करिए, तो वो दिखाई देगी आपको सबसे पहले। वो कहाँ दिखाई देगी? वो डिस्प्ले पे दिखाई देगी। तो जो कन्वर्टेड होके जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा वो कराएगा डिस्प्ले यानी कि मॉनिटर। तो ये भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद मान लीजिए कोई आपने MP3 सॉन्ग प्ले करा तो आपको क्या सुनाई देगा? आपको सुनाई देगा स्पीकर से। तो स्पीकर क्या है? वो आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आपको रिजल्ट कहाँ से मिल रहा है? स्पीकर से। जो आपको सुनाई दे रहा है उसे ही हम आउटपुट कहेंगे। ये क्या होते हैं? ये सारे डिवाइस आफ्टर द प्रोसेसिंग जो रिजल्ट हमें मिलता है वो ये हम तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों ऐसे जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, प्रिंटर क्या होता है? जब हम कोई डॉक्यूमेंट बना लेते हैं तो उसका हम प्रिंट निकालते हैं। अब जो प्रिंट निकलता है, जो प्रिंट हमें मिलता है, वो किससे मिलता है? प्रिंटर से। तो इसलिए प्रिंटर को क्या कहा जाता है? आउटपुट डिवाइस। और जो प्रिंट है वो क्या है? आउटपुट, क्योंकि वो हमें मिल रहा है, वो रिजल्ट हम तक पहुंच रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके के ये आउटपुट और इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो बिफोर द प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं फिर सीपीयू ने प्रोसेस करता है। और आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो आफ्टर द प्रोसेसिंग यानी प्रोसेसिंग काम होने के बाद में जो हम तक रिजल्ट देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।